दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय VMRT नर्सिंग कॉलेज पालमपुर। जिला मुख्यालय सोलन के साथ लगती सुल्तानपुर पंचायत के घल्याणा गांव के लोगों ने अपने संपर्क मार्ग को स्वयं ही दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासन व विभाग को सूचित करने के बाद भी जब मार्ग को ठीक नहीं किया गया तो रविवार को ग्रामीणों ने खुद ही औजार उठाकर मार्ग को ठीक करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद उनके गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आलम यह है कि उनकी गाड़ियां पिछले एक सप्ताह से गांव में ही खड़ी हैं, जिस कारण उन्हें प्रतिदिन की जरूरत का सामान कंधे पर ढोकर ही ले जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पंचायत वार्ड सदस्य इसी गाँव का निवासी है, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी इस संपर्क मार्ग की सुध नहीं ली जा रही है। इसको देखते हुए रविवार को गाँव के युवकों ने इकट्ठा होकर मार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। मैं घल्याणा गांव का वासी हूं। हमारा गांव PWD के अंडर आ चुका है, पर हमारे गांव की सड़कें, रास्ते सारे ख़राब हो चुके हैं। हमारी गाड़ियाँ गांव में फंस चुकी है। हमारे गांव में ना PWD आ रहे हैं, PWD वाले आ रहे हैं, ना कोई MLA वगैरह कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारे गांव में उप प्रधान, वार्ड मेंबर वगैरह कोई हमारा साथ नहीं दे रहे। जो उप प्रधानों को कॉल की वो हेलो हेलो करते, वो कोई बात नहीं करते आगे से, ना फ़ोन सुन रहे हमारे ढंग से कोई नहीं। इसलिए गाँव वाले सारे मिलकर आज खुद रोड रही है, ये एक किलोमीटर का रोड रही है। और लगभग कितने लोग रहते हैं? लगभग कोई 100-150 बंदे रहते हैं। इसलिए हम कोई बीमार हो जाए, रात रात कोई भी बुजुर्ग बीमार हो जाए तो हमारे को पीठ पर उठा के गांव के रास्ते ले जाना। हमारे तो गांव के रास्ते भी सारे बंद हो चुके हैं। वार्ड मेंबर हमारे गांव का है, वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, सुनते नहीं कोई हमारी बात। उनसे मांग करते कि हमारा रोड ठीक करके दें हमारे को, और हमारे गाड़ी गुड़ी आने जाने में कोई समस्या ना हो। राशन की समस्या, बुजुर्ग वगैरह बीमार हो जाए फिर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं गांव घल्याणा का रहने वाला हूँ। कई दिन जिस दिनों से बारिश हुई है तब से कोई भी हमारे घर में कोई आया नहीं, प्रधान, वार्ड मेंबर, और जो राशन वगैरह भी हम खुद पीठ पे ढोके ला रहे हैं। और जी जो मेन काम है कि हमारी, मेरा काम तो पिकअप है, मेरे पास तो मैं गाड़ी वाला ही हूँ। एक मेरा भाई पुष्पेंद्र, इसका भी गाड़ियों का ही काम है, तो हमारा तो काम भी ठप हो चुका है। गाड़ी फंस चुकी है, ऊपर से कोई आ नहीं रहा। वार्ड मेंबर प्रधान को हमने इतने फ़ोन कर दिया कि हमारा रोड खुला दो, तो कोई रोड नहीं खोल रहा। अब गाड़ी घर में खड़ी हुई, हम बेले अभी भी हम काम कर रहे हैं, फिर भी कोई भी हमारा साथ नहीं देने आ रहा, ना वार्ड मेंबर ना प्रधान, कोई नहीं। उनको कॉल करी वो कोई हमारी कॉल रिसीव नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं उठा रही। दिव्य हिमाचल TV के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। VMRT इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इस शिक्षण संस्थान का नाम कारगिल वॉर के पहले शहीद एवं पालमपुर के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर रखा गया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और प्रदेशवासियों से किया गया वादा पूरा करते हुए शांता कुमार जी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। कॉलेज को BSc नर्सिंग की 40 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, हाईटेक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई कैंपस और CCTV जैसी सुविधाओं से पूर्ण है। कॉलेज का हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है।